Assalamu alaikum, I'm Munar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. मैंने एक रिएक्शन की थी एक पीटीआई के तराने पर बनेगा नया पाकिस्तान, और मुझे लग रहा था कि ये शायद पीटीआई का सबसे हिट और सबसे फेमस तराना होगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है और मुझे भी याद आया कि एक और इससे भी ज़्यादा फेमस तराना पीटीआई का है और वो है तब्दीली आई रे, और कौन नहीं जानता इस तराने को। तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं इस पर रिएक्शन करूँ, सो आइए सुनते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। No naughty parliamentarian, Darbari and Jayala. Next up, Adiala. Rok sako to rok lo, tabdili aayi re. Tabdili aayi re, tabdili aayi re. Tu kala karapton ka, deta hai duhai re. Tabdili aayi re, tabdili aayi re. Rok sako to rok lo, tabdili aayi re. रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। रुकना नहीं, झुकना नहीं, नए पाकिस्तान की उम्मीद जगाई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। तू काला करप्टों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, आईपीटी आई रे। भूख से दो चार थे, कर्जे के अंबार थे, जालिम के उस दौर में नौजवान बेकार थे, ना रोटी कपड़ा और मकान, ये कैसे इंसान रहा। अपना ईमान उस जात पे, आएंगी खुशियाँ यहाँ, मिली कौम को इकरा नहीं, हर झूठ से आजादी पाई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। तू काला करप्टों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। तब्दीली आई रे ऑफिशियल वीडियो बाय शाहजमान एंड जवाद खलोन। सो उन तीनों में से जिन्होंने ये तराना परफॉर्म किया है, उनमें से एक जो उनमें से सबसे बड़े उम्र के आदमी है, वो शायद पीटीआई के मेंबर है, ऐसा मुझे लगता है। आप कमेंट्स में लाजमी कंफर्म बता दें। तो ये आई गेस के पीटीआई का सबसे सुपर हिट तराना जो बन गया था 2018 में,
और आज तक जो है वो हिट चल रहा है, और इससे ज़्यादा हिट कभी कोई तराना नहीं बनाए, वो आज तक जो है वो चल रहा है। पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है इमरान खान को, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द रिहाई दे और वही प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान के। अभी जो सूरत हाल चल रही है, जो एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन चल रही है, कुछ पता नहीं अभी तक कि कौन सी हुकूमत बनेगी, क्या होगा। तो जो इंतखाबात में जो धांधली हुई है और ये सब जो हो रहा है उसके उसके उसकी वजह से जो है पाकिस्तान की इमेज काफ़ी ख़राब हो गई है। उसके अलावा अगर ये धांधली के नतीजे में जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, अगर वो बन गई तो वो इमेज पाकिस्तान का और ख़राब हो जाएगा। ये जो मिक्स अचार हुकूमत वो बनाने का सोच रहे हैं, उसको बाहर ममालिक तस्लीम नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि पाकिस्तान की मईशत और बिगड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ हो जाए और इमरान खान की हुकूमत बन जाए, आमीन सुम्मा आमीन, उसी में पाकिस्तान की भलाई है। सो अल्लाह ताला इमरान खान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और जल्द अज जल्द उसको उनको रिहाई मिले और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान की, हम सब की उम्मीद है। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।